हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। आज हमारा इनिशिएटिव जो चल रहा है, जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आज हमारा फिफ्थ डे है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट। आपको हॉटेस्ट प्लैनेट बताना है। ऑप्शन है मरकरी, वीनस, नेपच्यून या मार्स। ठीक है, तो आपको पता होगा सन से सबसे ज्यादा क्लोज है मरकरी, बट याद रखिएगा जो हॉटेस्ट प्लैनेट है आंसर है वीनस। अब ऐसा क्यों होता है मैं बता दूं, मरकरी जो है ऑफ कोर्स इट इज क्लोजेस्ट टू सन, बट एक बात याद रखिएगा कि मरकरी में क्या होता है कि एटमॉस्फियर जो है, ठीक है, वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, एब्सेंट होता है इसमें, देखिए लिखा भी इट लैक्स इन एटमॉस्फियर, यहाँ पर एटमॉस्फियर नहीं होता, जबकि जो वीनस है वहां पर एटमॉस्फियर होता है, और ये एटमॉस्फियर जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस से मिलकर बना होता है। उस ग्रीन हाउस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि हीट तो एंटर कर जाती है वीनस में, लेकिन जब एग्जिट नहीं कर पाती है, उसकी वजह से जो वीनस है वो बहुत ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो आप याद रखिएगा कि वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, जबकि मरकरी सन से सबसे क्लोज है, उसके बाद आता है अपना वीनस, बट स्टिल उसके बाद आपको पता होगा मरकरी वीनस के बाद अर्थ आती है, ठीक है, और उसके बाद मार्स है। तो रिमेंबर, आप ये चार प्लैनेट याद रखिएगा, और जिसमें ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि मरकरी क्लोजेस्ट तो है बट हॉटेस्ट कौन सा है, वीनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं स्ट्रेटोस्फीयर, प्रोपोस्फीयर, जीनोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो है प्रोपोस्फीयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मैंने इसमें आपको लेयर्स दे रखी, ये यहां से स्टार्ट करेंगे तो बॉटम से टॉप है। पहली लेयर आती है ट्रोपोस्फीयर, जो 12 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली रहती है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर रहती है अपनी, फिर मेसोस्फीयर रहती है, फिर थर्मोस्फीयर रहता है, फिर लास्ट में आपका एक्सोस्फीयर रहता है। एक पॉइंट यहाँ पर जरूर याद रखिएगा कि जो ओजोन है वो अपन का स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, कि ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में, और जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन है ना वो सारी कौन सी लेयर में है, वो है ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स। किस कंट्री ने सबसे कार्बन टैक्स लगाया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, यूएसए या न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ, न्यूजीलैंड। आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड ने सबसे पहले लगाया था। ये जो कार्बन टैक्स उन्होंने लगाया था, ये एक तरीके से पोल्यूशन टैक्स था, ऑफकोर्स पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ लैंडमार्क विच हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय। आपने सुना होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। ध्यान रखिएगा इसका स्टेटस जो देता है वो कौन देता है, ये भी बहुत फेमस है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है UNIDO, यूनेस्को, यूनिसेफ या UPU। तो इसका आंसर जो है वो है यूनेस्को। आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में टोटल 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और अभी जो 2017 में रिसेंटली बनी है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज अहमदाबाद। ठीक है, और ये, और थोड़ा बैकवर्ड भी बताया था, जो यूनेस्को है 1945 में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आप याद करिए, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, और ये पेरिस कहाँ पर है, दैट इज फ्रांस, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बैकवर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में कौन सी सॉइल पाई जाती है? रेड रॉकी, लेटराइट, ब्लैक कॉटन और एलुवियल। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसका आंसर सेकेंड है, दैट इज लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है इसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मीथेन। तो इसका आंसर है दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन आपने सुना होगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेंटल सीवर्ड स्लोपिंग सरफेस फ्रॉम द कोस्ट इज कॉल्ड। देखिए ये मान लीजिए कोस्ट है आपका, और यहां से आपका पानी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो आपका जो लाइन आपको दिख रही है, दैट इज, मान लीजिए मैं इसको लेबल करता हूं ए से बी तक, ये पानी के अंदर ही है, इसको क्या कहा जाता है? जेंटल सीवर्ड स्लोपिंग है, इसको हम कहते हैं, ऑप्शन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, राइस, प्लेन या सबमरीन रिजेस। तो इसका आंसर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए ए बी को अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा फिशिंग, फिशेस भी पाई जाती हैं। ठीक है, फिशिंग एरिया के लिए बहुत फेमस है ये वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है आंसर। नेक्स्ट है द टर्म दुआब मीन्स। दुआब का मतलब क्या है?
अ लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स, अ लैंड बिटवीन टू लेक्स, अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, अ लैंड बिटवीन टू सीज। तो इसका आंसर है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ध्यान रखिएगा दो नदियों के बीच में जो एरिया होता है उसे कहते हैं दुआब, और ये बहुत फेमस रीजन है, बहुत फर्टाइल एरिया है ये। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड अ बंगाल वीकली न्यूज़पेपर जिसका नाम क्या है संवाद कौमुदी इन द ईयर 1821। ठीक, किसने स्टार्ट किया था? राजा राममोहन रॉय ने, अरविंदो घोष ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने? तो इसका आंसर है राजा राममोहन रॉय। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखिए इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है ना, 1821। चलिए नेक्स्ट है, ये डांस लिखा है मैंने, क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, अपने यहाँ याद रखिएगा 8 क्लासिकल डांस है, उसमें से एक मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इसका आंसर जो है वो है क्या, केरल। याद रखिएगा इसका आंसर केरल है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में 8 क्लासिकल डांसेस के नाम लिख के बताइए और वो किस स्टेट में परफॉर्म होते हैं, उनके नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक फिल्म है, द फिल्म फूलन देवी वॉज डायरेक्टेड बाय, इसको डायरेक्ट किसने किया है? राज कपूर ने, शशि कपूर ने, शेखर कपूर ने या अनिल कपूर ने? तो इसका आंसर क्या है, शेखर कपूर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, शेखर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटरियट ऑफ सार्क, सार्क का सेक्रेटरियट कहाँ सेटअप है? सार्क का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, और ये सार्क जो है वो 1985 में बना था। ठीक है, इसका इसमें टोटल 8 मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है, 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, और ऑप्शन है इसका सेक्रेटरियट क्या है, वॉशिंगटन, काठमांडू, हेग या न्यू दिल्ली? इसका आंसर है काठमांडू। काठमांडू आपको ही पता है नेपाल की कैपिटल है। ठीक है, और जिसके 8 मेंबर्स हैं वो आप जरूर नोट डाउन करिए, उसमें जो मेंबर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है इंडिया, फिर है आपका नेपाल ऑफकोर्स है ही, ठीक है, फिर है पाकिस्तान, ठीक है, चाइना नहीं है याद रखिएगा, भूटान है, ठीक है, उसके बाद आपका बांग्लादेश है, फिर आपका श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, और जो लास्ट है वो आपका मालदीव्स है। तो याद रखिएगा इसे म्यांमार इसका मेंबर नहीं है, लोग कन्फ्यूज होते हैं, चाइना इसका मेंबर नहीं है, और एक्चुअली जब ये ब्लॉक बना था तब 7 ही मेंबर्स थे। मैं आपको बता दूं अफगानिस्तान इसमें 8th कंट्री है जो इसमें ज्वाइन हुई है 2007 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएनओ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, यूएनओ कब बना? ऑप्शन है 1947, 1950, 1945, 1946। इसका आंसर है 3, दैट इज 1945। आपको याद रखना है हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। Who is the author of मेघदूत? ठीक है, ऑप्शंस हैं सुंदरका, सुंदरा, विशाखादत्त, कालिदास या चाणक्य? इसका आंसर बहुत फेमस है, दैट इज कालिदास। बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट, इन इंडिया विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस? ठीक है, ऑप्शंस है जयपुर, कोलकाता, ग्वालियर या उदयपुर? तो इसका आंसर जो है वो है क्या, कोलकाता। रिमेंबर रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत फेमस मैंने एक स्पोर्ट्स लिखा है, जलीकातू is associated with which of the following festival? ठीक है, ये जो स्पोर्ट्स है बहुत न्यूज में था, ये तमिलनाडु में बुल स्पोर्ट है, बुल स्पोर्ट है, याद रखिएगा, बुल का यूज किया जाता है। ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, मेनली है तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन है किस फेस्टिवल में, ओनम, पोंगल, बिहू या हॉर्नबिल? तो इसका आंसर क्या है, पोंगल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज द इंडिया नेशनल रेलवे म्यूजियम सिचुएटेड? ठीक है, कहाँ सिचुएटेड है, दिल्ली, यूपी, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? इसका आंसर है ए, दैट इज फर्स्ट दिल्ली। ठीक है, अभी ये इंडिया की पहली, इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी विल कम अप एट, इंडिया की फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? ऑप्शन है वडोदरा, बैंगलोर, बेंगलुरु नाम हो गया, हैदराबाद या लखनऊ? इसका आंसर क्या है, गुजरात। याद रखिएगा वडोदरा में पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स? ठीक है, ऑप्शन है थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा या टर्की? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ? ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूएनओ की, पहले मैं आपको बता दूं यूएनओ की टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन है इसमें, फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश या जापानीज? तो जापानीज नहीं है, और 6 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एक है अरेबिक, नेक्स्ट है चाइनीज, फिर है इंग्लिश, देन इट्स फ्रेंच, देन इट्स रशियन, और जो लास्ट है वो है स्पेनिश। तो याद रखिएगा ये 6 हैं
जो सिक्स लैंग्वेजेस हैं ये हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ। हिंदी नहीं है, डिबेट चल रहा है हिंदी को बना देना चाहिए। चलिए इसका आंसर था जापानीज जो नहीं है। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और कंटिन्यूस लेक्चर्स बनाते रहेंगे। थैंक यू।